सूचनाएं मिली कि युद्ध के लिए तैयार हो जाओ, रणबेरिया बजवा दो। योजनाएं बनने लगी कि कैसे लड़ेंगे, मात्र हजार लाखों से हम कैसे भिड़ेंगे। किंतु साहसी सिपाही पीछे ना हटे, कहा सभी लड़ेंगे चाहे गर्दन कटे। योद्धा वही जो युद्ध अंत तक है लड़े, योद्धा वही जो प्राण हाथों में लिए खड़े, योद्धा वही जो वीर का आयाम गढ़ सके, योद्धा वही जो बेरियों की छाती चढ़ सके। यह रण का वीर योद्धा रण लाशों से बाटेगा, एक राजपूत दस मुगलों को काटेगा, एक राजपूत दस मुगलों को काटेगा। योजनाएं बनती है तो सभा बुलाई महाराणा ने, बोले सारे वीरों से तलवारों में धार लिए, वो बोले उन रणधीरों से, बोले वीर समय निकट है शीश धरा को अर्पण का, बोले वीर समय निकट है शीश धरा को अर्पण का, बोले वीरो समय निकट है तन मन सरसों समर्पण का। जन्म भूमि से बढ़कर है दुनिया में कोई महान नहीं, जो जान दे सिद्ध के काम न आए वो जान कोई वो जान नहीं। रण में कुंभा सांगा से कर्तव्य तुमको दिखलाने हैं, सशक्त राष्ट्र की नींव रखे कर्तव्य से आजमाने हैं। विजय अजय का शोर मचा दो, शत्रु जो घबरा जाए निश्चित ऐसा करना होगा जो अपना प्रसन्न लहराए। तुमसे बचकर वो बाघ उठे ऐसा हो कोई द्वार नहीं, हो जिसमें तीखी धार नहीं, मानो कोई तलवार नहीं, मानो कोई तलवार नहीं। तो सुनो सुनो वो संवाद सुनो, वो राणा है हल्दी घाटी का, रंग पीला है रक्त पड़ा जब लाल हुई माटी का। घाटी बोली होगी रण में मैं प्रत्यक्ष रहूंगी, तेरे तेवर इतिहासों में चीख चीख के कहूंगी। तो वस्तान के खड़ा रहे बस इतना मेरा निवेदन, बाले को तैयार करो तुम शत्रु का ही है आवेदन। तो नमन किया राणा ने हल्दी घाटी को रुक करके, नमन किया राणा ने हल्दी घाटी को झुक करके। राणा बोले होंगे मेरी मिट्टी तुझको नमन आज करता हूँ, तू मिट्टी स्वाभिमानी तेरे चरण शीश धरता हूँ। तेरी गाथा आगे चल सोते को यहाँ जगाएगी, तेरी मिट्टी का दुनिया माथे से तिलक लगाएगी, माथे से तिलक लगाएगी।